गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का प्लान ये है कि जैसे हम आए हैं हरमिंदर साहिब, तो दर्शन तो हम रात को ही कर लिए थे। अब रात को 11-12 बजे इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना कि यार लेट थे, ऐसी नींद आई कि बस सुबह 5 बजे आँख खुली है। तो आपका प्लान ये है कि अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अभी सुबह यहाँ पर चाय पानी तो कुछ मिल नहीं रही है कि सब दुकानें वगैरह बंद है और होटल वाला भी जो है तान के सोया हुआ है। रात को तो बोल रहा था कि भाई साहब सुबह 5 बजे चाय स्टार्ट हो जाएगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो उठ पाएगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके कुछ चाय नाश्ता करते हैं। गाइस जब निकल गए यहाँ से और जितना सोचा था उसी हिसाब से निकल गए। सुबह 6 बजे हैं अभी और हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली जाएंगे ना उसी हिसाब से ट्रैफिक से बच जाएंगे और शहर पार हो जाएगा। और शहर पार हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है। गाइस ये अमृतसर का एंट्री गेट है और अब इसको कहते हैं बाय बाय। गाड़ी में बैठे सो गए, फिर मैं सोते सोते उठा के बैठाया था कि भैया गाड़ी में सो जाना। चलो भैया हमें तो गाड़ी चलानी है, सोते हुए निकल जाएंगे। भैया अभी सुबह का हाल ये है कि सामने से इतना तेज सूरज की रोशनी पड़ रही है ना कि यार देख नहीं सकते। अब सूरज देवता सामने से है तो कुछ कर भी नहीं सकते, देखा तो सामने ही है ना लेकिन ये है कि सुबह सुबह खाली रोड है ना तो ड्राइव करने का मजा ही कुछ और आ रहा है। और सुबह की अच्छी मीठी मीठी ठंड लगे और खाली खाली रोड। अब तो बस जल्दी से कोई ढाबा मिल जाए कि जहाँ पे यार गर्म गर्म चाय मिल जाए एकदम। गाइस जब लुधियाना क्रॉस कर लिया है अब जाके गाड़ी रोकी है। मैं कह बच्चे भी उठ गए हैं, कुछ मुझे कुछ लिया भी नहीं था, यहाँ पे कुछ नाश्ता ले लेते हैं और थोड़ा फ्रेश भी जाते हैं यार। ये तो सब बैठ गए हैं नाश्ते के लिए सोते सोते यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये कह रहे हैं आप यहाँ तक ले आ चाय नहीं पिलाई। क्यों भाई मौली उठ गई आँख खुल गई? ये देखो इनकी तब तो नींद ही नहीं खुली है और हम नाश्ते के टेबल पर इनको बैठा दिया है। गाई यहाँ वाशरूम के लिए रुक गए हैं और बाकी बहुत ही साफ सुथरा बढ़िया वाशरूम मिल गया काफी जैसे लगे हुए थे। मैं चलो यार ये भी यूज कर लेते हैं। गाड़ी में चल चलते प्यास लग रही थी तो सामने दिख गया जूस, मैंने कहा पानी का पीना, चलो जूस ही पी लेते हैं। और गाइस दूर तक जहाँ तक नजर जा रहे हैं ये देखो गेहूँ गेहूँ है। हमारे यहाँ पे हरियाणा पंजाब में कितना गेहूं पैदा होता है ये देखो भाई, ऐसे लग रहा है सारे खेतों में सोना बिखरा हुआ। भाई अभी बरसात से काफ़ी गेहूं तो ख़राब हो गया। ये सामने देखो नज़र आ रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये गेहूं ऐसे लेट गया ये ज़मीन पे ना, तो इससे थोड़ा नुकसान तो हो गया फसल का लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी फसल एकदम। कई गर्मी में ना मौसमी जूस का तो पीने का मज़ा ही कुछ हो रहा है और वो भी ऐसे हाईवे चलते हुए। भाई वाह यार कितना बढ़िया लग रहा है ना, दो बस तीसरी एकदम इतना फ्रेश। इसमें जो अंदर वो आता है रेसे से वो इतना बढ़िया लग रहे हैं, ठंडा और एकदम मीठा मजा आ गया यार। भाई दिल्ली से पहुंचने पहले एक लास्ट स्टॉप ले लिए, पहले तो चाय पी लेते हैं यहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो 1.5 घंटे ड्राइव हो गई है और यहाँ पर एक अच्छा ढाबा दिख गया है, ये कौन सा है धर्म ढाबा। अरे चलो यहाँ पर लास्ट चाय पी लेते हैं, अब अंदर जाके चाय लेते हैं साथ में हल्का फुल्का देख लेंगे। बच्चे धंधा चले गए हैं, भाई चलो हम भी फ्रेश होके आते हैं। मौली क्या लेना है बेटा? क्या लेना है? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस। सोनू क्या ऑर्डर करें? सोच रहा करते हैं पानी। तेरा क्या? देख रहा हूँ मेन्यू। चलो देखते रहो आप। और आपने कुछ लेना है? A few minutes later. खाना हो गया है, खाना इतना मस्त था ना और अब आ रही इतनी भयंकर नींद। तो मैं तो कड़ची चाय पी ली है लेकिन फिर भी लग रहा है कि चार पे बिछाओ और 1-2 घंटे सो जाओ बस ये सुबह भी जल्दी उठे थे और ड्राइव भी काफ़ी लंबी हो गई है और नींद खाना खाने के बाद तो नींद सच में यार मौसम तो बढ़िया है। भाई अब मुँह धो लेता हूँ और फिर निकलते हैं बस, क्योंकि यहाँ से अभी 115 किलोमीटर दिखा रहा है तो 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे और दिल्ली में का टाइम भी लगेगा। चलो अब निकलते हैं। दिल्ली के अंदर तो घुसते ही ना यार पूरा ही हाल हो जाता है। ये देखो
पंजाब से यहाँ तक आ गए बड़े मजे में, और जैसे दिल्ली में एंटर किए ना भाई, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। जो 5:30 बजे पहुंचे हैं दिल्ली, तो वो टाइम से पहुंच गया, उम्मीद तो नहीं थी इतना जाम लगा था। तो सुबह निकले 6 बजे, 5:30 पहुंचे तो समझ लो कि 11:30 घंटे में, तो बिल्कुल ठीक ही आ गए 500 किलोमीटर। तो चलो सफ़र ये बहुत बढ़िया रहा। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।